हम दो बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि अब एक पे ही आ गए, और वो लोग 17 और 29 बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद भी हम लोगों पे जुल्म ढाते हैं हमारे यहाँ के हिंदू। इसका जवाब हम तो आपको बच्चे पे जवाब देती हूँ। आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो, आप में प्रॉब्लम है, वो 17 कर रहे हैं, उसको बहुत मजा आ रहा है। आमिर खान ने 4 शादी करी हैं, उनका सवाल ये नहीं था 4 शादी करी, उनका सवाल ठीक था, लेकिन ये सवाल था कि वो हिंदू लड़कियों से शादी क्यों की है। अरे मेरे भाई, क्योंकि हिंदू लड़की में पावर है ना। अरे मेरा भाई। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खास हम खास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बता दे आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि आखिर काशी भाई आज क्या खास हम खास वीडियो लेकर आए। तो रुको जरा सबर करो। तो बता दे आज आपके लिए वीडियो लेकर आया है राखी सावंत, जो कि बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा है और साथ ही साथ वो जाने जाती है अपने बेबाक अंदाज के लिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस्लाम को साबित कर दिया और मुसलमानों के ऊपर उठने वाली उंगलियों को काट के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर वीडियो राखी सावंत का, जिसमें कि सुरेश चौहके, जो कि हर रोज सिर्फ मुसलमानों के बारे में गलत न्यूज फैलाकर अपना पैसा कमाते हैं, उनके साथ एक लाइव इंटरव्यू में जब राखी सावंत से मुसलमानों के खिलाफ पूछा गया, इस्लाम के खिलाफ पूछा गया, तो राखी सावंत, जैसा कि आप जानते ही हैं, अपने बेबाक अंदाज में ऐसे धड़ल्ले से मुंह तोड़ जवाब दिया सुरेश चौहान के, और उनके चमचे और दुमछल्लों की बोलती बंद हो गई। यहां तक कि ऑडियंस में बैठे हुए अंधभक्त घूम गए होंगे कि आखिर कौन बला आ गई है सामने। यहां दोस्तों इस बेहतरीन वीडियो को देखिए और पसंद आने पर हर जगह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं। आपका जो शाहरुख खान है ना, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई, भूकंप हुआ, तो उसके लिए उसने कंसर्न किए और वहां पैसे भेजे, लेकिन हिंदुस्तान में उत्तराखंड बह गया, लेकिन एक रुपया नहीं दिया। मैं मानती नहीं। जो देखो आर्टिस्ट जो होता है ना भाई, वो किसी जात पात में रिलीजन में नहीं मानता है। अब उसकी मर्जी है कि किसी को भी जाके, शाहरुख खान की अपनी मर्जी है। वो शाहरुख खान, सलमान खान ने कितना डोनेशन करते हैं, क्या गांव में चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे? शाहरुख खान, सलमान खान चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, अमिताभ बच्चन जी चिल्ला के बोलेंगे कि मैंने ये गांव को अडॉप्ट किया, इस बेटी को शादी करी, ये इन लोगों के लिए भला किया? लेकिन क्या बात करते हो आप, बोल क्या चेंज होने वाला है? 100 चेंज हो रहा है, 2000 चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है मुझे पहले बताओ, मैं चेंज करवा के बैठ जाती हूँ। इसका मतलब कैश है आपके पास? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। रात को डॉक्टर आया तो क्या दूंगी उसे, बाबा जी का टुल्लू? नोटबंदी देश हित में रही, वो तो ईश्वर ही जानता है, देश हित में रही क्या रही मुझे नहीं मालूम है। लेकिन लोगों के काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लोग बोलते गरीबों का फायदा हुआ है, कहाँ फायदा हुआ, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो यंगस्टर उनकी नौकरियां बंद हो गई, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है। महिलाओं के उत्थान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बताई हमें कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आमिर खान ने 4-4 लड़कियों को तलाक दे के नई नई शादी करता है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो क्या तुम्हारी पड़ोसन थी? दो पता है मुझे, दो कौन तुम्हारी पड़ोसन थी, 4 के साथ कब शादी करी? ठीक है चलिए, तुम थोड़ी खिलाने जाओगे उनको, दाल रोटी तुम खिलाते हो भाई? आमिर खान के पास बहुत पैसा है, उसका बात चले, वो राजा बन के बहुत सारी रानियां रख सकता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जी मेरा एक सवाल है आपसे, जो मेरे भैया ने एक सवाल किया था कि आमिर खान ने 4 शादी करी हैं, उनका सवाल ये नहीं था 4 शादी करी, उनका सवाल ठीक था, लेकिन ये सवाल था कि वो हिंदू लड़कियों से शादी क्यों की है। अरे मेरे भाई, क्योंकि हिंदू लड़की में पावर है ना। अरे मेरा भाई, हिंदू अत्याचार कर रहा है और हिंदू इस तरह से, जिस तरह से आपने बोला, तो हमसे ज्यादा अत्याचार वो करते हैं। नंबर एक, हम दो बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि अब एक पे ही आ गए, और वो लोग 17 और 29 बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद भी हम लोगों पे जुल्म ढाते हैं हमारे यहाँ के हिंदू। इसका जवाब हम तो आपको बच्चे पे जवाब देती हूँ। आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो, आप में प्रॉब्लम है, वो 17 कर रहे हैं, उसको बहुत मजा आ रहा है। कर इस देश का जन जन, संपूर्ण जनमानस सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।